नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पूनम अहमद जी की कहानियों का संकलन कभी अपने लिए। इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है बीच की दीवार। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। मम्मी, आप नानी के यहाँ जाने के लिए पैकिंग करते हुए भी इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, नानी मामा से मिलने जा रही हैं। पिंकी दीदी, सोनू भैया भी मिलेंगे। नहीं नहीं, खुश तो हूँ, बस जाने से पहले क्या क्या काम निपटाने हैं यही सोच रही हूँ। खूब एंजॉय करना मम्मी, हमारी पढ़ाई के कारण तो आपका जल्दी निकलना भी नहीं होता, कहकर मेरे गाल पर किस करके मेरी बेटी सुकन्या चली गई। सही तो कह रही है, कोई मायके जाते हुए भी इतना उदास होता है? मायके जाते समय तो एक धीर गंभीर स्त्री भी चंचल तरुणी बन जाती है, पर सुकन्या को क्या बताऊं, कैसे दिखाऊं उसे अपने मन पर लगे घाव। 20 साल की ही तो है, दुनिया के दांव पेचों से दूर, अभी तो उसकी अपनी अलग दुनिया है, माँ बाप के साये में हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती दुनिया। मेरे जाने के बाद अमित, सुकन्या और उससे 3 साल छोटे सौरभ को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए घर की साफ सफाई करने वाली रमाबाई और खाना बनाने वाली कमला को अच्छी तरह निर्देश दे दिए थे। अपना बैग बंद कर मैं अमित का ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। सौरभ ने भी खेल कर आने पर पहला सवाल यही किया, मम्मी पैकिंग हो गई? आप बहुत सीरियस लग रही हैं, क्या हुआ? हाँ नहीं, ठीक हूँ, कहते हुए मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इतने में अमित भी आ गए, हम चारों ने साथ डिनर किया। खाना खत्म होते ही अमित बोले, सुजाता आज टाइम पर सो जाना, अब किसी काम की चिंता मत करना, सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सब काम निपटाने में ही 11 बज गए। सोने लेटी तो अजीब सा दुख और बेचैनी थी, किसी से कह नहीं पा रही थी कि मुझे नहीं जाना माँ के घर, मुझे नहीं अच्छे लगते लड़ाई झगड़े। अक्सर सोचती हूँ क्या शांति और प्यार से रहना बहुत मुश्किल काम है। बस अमित मेरी मनोदशा समझते हैं, लेकिन वे भी क्या कहें, खून के रिश्तों का एक अजीब अलग ही सच ये भी है कि अगर कोई गैर आपका दिल दुखाए तो आप उससे एक झटके में किनारा कर सकते हैं, लेकिन ये खून के अपने सगे रिश्ते मन को चाहे बार बार लहूलुहान करे, आप इनसे भाग नहीं सकते। कल मैं मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ूंगी, 2 घंटों में दिल्ली पहुंचकर फिर टैक्सी से मेरठ मायके पहुंच जाऊंगी, जहां फिर कोई झगड़ा देखने को मिलेगा, झगड़ा वो भी माँ बेटे के बीच का। सोच कर ही शर्म आ जाती है, रिटायर्ड टीचर माँ और पढ़े लिखे मुझसे 5 साल बड़े नरेन भैया, गीता भाभी और मेरी भतीजी पिंकी व भतीजे सोनू के बीच का झगड़ा, कौन गलत है कौन सही मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, लेकिन दोनों मुझे फोन पर एक दूसरे की गलती बताते रहते हैं तो मन का स्वाद कसैला हो जाता है मेरा। मायके का ये तनाव आज का नहीं है, 5 साल पहले जब माँ रिटायर हुई थी तब से यही चल रहा है, आपस के स्नेह सूत्र कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। पिछली बार मैं 2 साल पहले गई थी, इन 2 सालों में हर फोन पर तनाव बढ़ता ही दिखा, अब तो हालत ये हो गई है कि मुझसे तो कोई ये पूछता ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ, अमित और बच्चे कैसे हैं, बस मेरे नमस्ते कहते ही शिकायतों का पिटारा खोल देते हैं सब। ऐसे माहौल में मायके जाते समय किस बेटी का दिल खुश होगा। मैं तो अब भी न जाती, पर माँ ने फौरन आने के लिए कहा है, तो मैं बहुत बेमन से कल जा रही हूँ, काश पापा होते। बस इतना सोचते ही आंखें भर आती हैं मेरी। मैं 13 वर्ष की ही थी जब उनका हार्ट फेल हो गया था, उनका ना रहना जीवन में एक ऐसा खालीपन दे गया जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस हुई है। उन्हें ही याद करते करते मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला।
सुबह बच्चों को अच्छी तरह रहने के निर्देश देते हुए हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अमित से विदा लेकर अंदर चली गई और नियत समय पर उदास सा सफर खत्म हुआ। जैसे ही घर पहुंची, माँ गेट पर ही खड़ी थी। टैक्सी से उतरते ही घर पर एक नजर डाली तो बाहर से ही मुझे जो बदलाव दिखा उसे देख मेरा दिल बुझ गया। अब घर के एक गेट की जगह दो गेट दिख रहे थे और एक ही घर के बीच में दिख रही थी एक दीवार। दिल को बड़ा धक्का लगा। मैंने गेट के बाहर से ही पूछा, माँ ये क्या है? कुछ नहीं, मेरे बस का नहीं था रोज रोज का क्लेश। अब दीवार खींचने से शांति रहती है। वे लोग उधर खुश और मैं इधर खुश। खुश? एक ही आंगन के दो हिस्से, इसमें खुश कैसे रह सकता है कोई? माँ और मेरी आवाज सुनकर भैया और उनका परिवार भी अपने गेट पर आ गया। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, कैसी हो सुजाता? गीता भाभी भी मुझसे गले मिली। पिंकी सोनू तो चिपट ही गए। बुआ हमारे घर चलो ना। इतने में माँ ने कहा, सुजाता चल अंदर, यहाँ कब तक खड़ी रहेगी? मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया, क्या करूं? भैया ने ही कहा, जा सुजाता बाद में मिलते हैं। मैं अपना बैग उठाए माँ के पीछे चल दी। दीवार खड़ी होते ही घर का पूरा नक्शा बदल गया था। छत पर जाने वाली सीढ़ियां भैया के हिस्से में चली गई थी। अब छत पर जाने के लिए भैया के गेट के अंदर जाना था। आंगन का एक बड़ा हिस्सा भैया की तरफ था और एक छोटी गैलरी माँ के हिस्से में, जहाँ से बाहर का रास्ता था। आंगन और गैलरी के बीच खड़ी एक दीवार जिसे देख देख कर मेरे दिल में हौल उठ रहे थे। माँ एकदम शांत और सामान्य थी। नहा धोकर मैं थोड़ी देर लेट गई। माँ चाय ले आई और फिर खुल गया शिकायतों का पिटारा। मैं अनमनी सी हो गई। इतनी दूर क्या मैं इसलिए आई हूँ कि ये जान सकूं कि भाभी ने टाइम पर खाना क्यों नहीं बनाया? भैया भाभी के साथ उनके मायके क्यों जाते हैं बार बार? भाभी उन्हें बिना बताए पिक्चर क्यों गए? वगैरह वगैरह। माँ ने पूछा, क्या हुआ, बहुत थक गई है क्या? बहुत चुप है। मैंने भर्राए गले से कहा, माँ ये दीवार। बात पूरी नहीं होने दी माँ ने। अरे बहुत अच्छा हुआ, अब रोज रोज की किटकिट बंद हो गई है, अब शांति है। अब बोल क्या खाएगी, और इन लोगों को सिर पर मत चढ़ाना। मैं अवाक माँ का मुंह देखती रह गई। इतने में दीवार के उस पार से भैया की आवाज आई, सुजाता लंच यहीं कर लेना, तेरी पसंद का खाना बना है। पिंकी की आवाज भी आई, बुआ जल्दी आओ ना। माँ ने पल भर सोचा, फिर कहा, चल अच्छा एक चक्कर काट आओ उधर, नहीं तो कहेंगे माँ ने भाई बहन को मिलने नहीं दिया। मैं भैया की तरफ गई। पिंकी सोनू की बातें शुरू हो गई। दोनों सुकन्या और सौरभ की बातें पूछते रहे। फिर धीरे धीरे भैया और भाभी ने भी माँ की शिकायतों का सिलसिला शुरू कर दिया। माँ हर बात में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की बातें करती है, उन्हें पेंशन मिलती है, वे किसी पर निर्भर नहीं है, बात बात में गुस्सा करती है, समय के साथ कोई समझौता नहीं करती है। मैं यहाँ क्यों आई मुझे समझ नहीं आ रहा था। कैसे रहूंगी यहाँ, यहाँ सब मुझसे बड़े हैं, मैं किसी को क्या समझाऊं, और आज तो पहला ही दिन था। इतने में माँ की आवाज आई, सुजाता खाना लग गया है आजा। मैं फिर माँ के हिस्से में आ गई। मैंने बहुत उदास मन से माँ के साथ खाना खाया। माँ ने मेरी उदासी को मेरी थकान समझा और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। बेड के जिस तरफ मैं लेटी थी वहां से बीच की दीवार साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरी आंखें बार बार भीग रही थी। अपने अपने अहम के टकराव में मेरी माँ और मेरे भैया ये भूल चुके थे कि इस घर की बेटी को आंगन का ये बंटवारा देखकर कैसा लगेगा। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा तो इस घर में गुजरा बचपन, जवानी सब बट गए हैं।
आंगन का वो कोना जहाँ पता नहीं कितनी दोपहरे सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़िया के खेल खेले थे। अमरूद का वो पेड़ जिसके नीचे गर्मियों में चारपाई बिछाकर लेटकर पता नहीं कितने उपन्यास पढ़े थे। छत पर जाने वाली वे बीच की चौड़ी सीढ़ियां जहाँ बैठकर लूडो और कैरम खेला था, अब वे सब दीवार के उस पार हैं, जहाँ जाने पर माँ की आंखों में नाराजगी के भाव दिखेंगे। माँ के हिस्से में वो जगह थी जहाँ हर तीज त्योहार पर सब साथ बैठते थे, आज वो खाली खाली लग रही थी। घर का बड़ा हिस्सा भैया के पास था, माँ ने अपनी जरूरत और घर के बनावट के हिसाब से दीवार खड़ी करवा दी थी। यही चल रहा था, मैं भैया की तरफ होती तो माँ बुला लेती और बार बार पूछती कि नरेन क्या कह रहा था। भैया भाभी पूछते, माँ मुझे क्या बताती है उनके बारे में। मैं कुछ खास नहीं का नपातुला जवाब सबको देती। मुझे महसूस होता घर भी मेरे दिल की तरह उदास है। मैं मन ही मन अपने जाने के दिन गिनती रहती। अमित और बच्चों से फोन पर बात होती रहती थी। दिन भर मेरा पूरा समय इसी कोशिश में बीतता कि सबके संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन शाम तक परिणाम शून्य होता। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया, माँ मुझे आपने फोन पर इस दीवार के बारे में नहीं बताया और फौरन आने के लिए क्यों कहा था। माँ ने कहा, ऐसे ही गीता को दिखाना था कि मैं अकेली नहीं हूँ, बेटी है मेरे साथ। मैंने भैया से पूछा, आपने फोन पर क्यों नहीं बताया कुछ। जवाब भाभी ने दिया, बस फोन पर क्या बताते, दीवार खींच कर माँ खुश हो रही है तो हमें भी क्या परेशानी है, हम भी आराम से हैं। मेरे मन में आया, ये सब खुश है तो मुझे ही क्यों तकलीफ हो रही है घर के आंगन में खड़ी दीवार से। एक दिन तो हद हो गई, माँ मुझे साड़ी दिलवाने मार्केट ले जा रही थी। मैंने कहा, माँ पिंकी व सोनू को भी बुला लेती हूँ, उन्हें उनकी पसंद का कुछ खरीद दूंगी। माँ ने फौरन कहा, नहीं हम दोनों ही जाएंगे। मैंने कहा, माँ बच्चे हैं, उनसे कैसा गुस्सा, मुझे उन सब पर गुस्सा आता है। मैं उस समय उन्हें नहीं ले जा पाई, उन्हें मैं अलग से लेकर गई, उन्हें उनके पसंद के कपड़े दिलवाए, फिर हम तीनों ने आइसक्रीम खाई। जब से आई थी ये पहला मौका था कि मन को कुछ अच्छा लगा था। पिंकी व सोनू के साथ समय बिताकर मन बहुत हल्का हुआ। 5 दिन बीत रहे थे, मुझे अजीब सी मानसिक थकान महसूस हो रही थी। पूरा दिन दोनों तरफ की आवाजों पर कभी इधर तो कभी उधर घूमती दौड़ती रहती। मन रोता मेरा, किसी को एक बेटी के दिल की कसक नहीं दिख रही थी। किस बेटी का मन नहीं चाहता कि कभी वो 2-3 साल में अपने मायके आए तो प्यार और अपनेपन से भरे रिश्तों की मिठास यादों में साथ लेकर जाए। मगर मैं जल्दी से जल्दी अपने घर मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा मायका मायका नहीं रह गया था। वो तो ऐसा मकान था जहां दीवार की दोनों तरफ माँ बेटा बुरे पड़ोसियों की तरह रह रहे थे। इस माहौल में किसी बेटी के दिल को चैन नहीं आ सकता था। मैंने अमित को बता दिया कि मैं 1 हफ्ते में ही आ रही हूँ। अमित सब समझ गए थे। 7वें दिन मैंने अपना बैग पैक किया, सबसे कसेले मन से विदा ली। भैया ने अपने जान पहचान की टैक्सी बुलवा दी थी। टैक्सी में बैठकर सीट पर सिर टिकाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लगा विदाई तो आज हुई है मायके से। शादी के बाद जो विदाई हुई थी उसमें फिर मायके आने की, सबसे मिलने की एक आस, चाह और कसक थी, लेकिन अब लग रहा था कभी नहीं आ पाऊंगी। इतने प्यारे मीठे रिश्ते में आई कड़वाहट सहन करना बहुत मुश्किल था। मायके में खड़ी बीच की दीवार रह रहकर मेरी आंखों के आगे आती रही और मेरे गाल भिगोती रही।